This call is now being recorded. अच्छा रिकॉर्डिंग का सबका वॉइस आया राइट, रिकॉर्डिंग हो रहा है करके? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। अब देखो बच्चों, कल हमने कुछ जो पढ़ा था एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट था इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में, तो हमने ये देखा था जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ाई करते हैं, हमने क्या देखा, उसके दो मेजर फॉर्मूले देखे। कौन से? हम बोल सकते हैं दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, मुझे इरेजर को चेंज करना पड़ेगा। अगर अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या कहता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू अन्य, ये मैंने फॉर्मूला कहता। दोस्तों हम क्या सकते हैं, कुछ नहीं, हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को नीचे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, मैं लिखूंगा एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट, है ना। तो ये हमारा मेजर टॉपिक, ये हमारा मेजर पार्ट है जिसको हमें करना है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक एग्जाम आया था, राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम आया था ना? यस सर। जी, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब देखो ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ओके, एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल, अभी जो नॉर्मल मेथड का तो उससे भी कर सकते हैं। अब क्या बोला यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, बोला ये है एक कंपाउंड विच हैज मोलर मास 60, ओके। तो पहले क्या दे दिया आपको, पहले आपको मोलर मास दे दिया है, तो मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है, कितना दिया आपको, आपको दिया 60, है ना, ये बोला है। अब क्या बोला उसके अंदर, उसमें कितना परसेंट कार्बन है, तो आप बोलोगे कार्बन है उसके अंदर 40%, कितना है 40% कार्बन है, ओके। फिर क्या आपका, और आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 6.66%, है ना, ये आपका दिया गया है। अब क्या बोला है, रिमेनिंग ऑक्सीजन, मतलब क्या, जब भी ऐसा कोई वर्ड लिखा होगा रिमेनिंग वाला पार्ट, तो क्या करोगे आप, जितना दिया उसको प्लस करोगे और माइनस करोगे 100 से साथ। अगर मैं 40 प्लस 6.66 को प्लस करता हूँ और माइनस 100 करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आ जाएगा आंसर ऑक्सीजन, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 53.34, कितना आएगा मेरा 53.34%, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, और ये वाला पार्ट हमने क्या निकाला, अभी 100 से माइनस करके निकाला। तो यहाँ तक सभी बच्चों समझ में आया ये वाला पार्ट मैंने क्या किया? Yes, sir. ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हमें करना क्या है, मैंने क्या बोला था कि आपको जो भी दिया गया होगा, जो भी आपका परसेंटेज में दिया गया होगा, आपको करना क्या, उसको ग्राम्स में अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे कितने ग्राम होगा, आप बोलोगे, ओके दो सेकंड, आई थिंक किसी बच्चे क्लास ज्वाइन होनी हो रही है, दो सेकंड मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ बच्चे का। सॉरी बेटा, थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, जो भी परसेंटेज में दिया हो उसे करना, मुझे करना पड़ेगा, उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं, हाइड्रोजन क्या लिखूंगा, मैं हाइड्रोजन लिखूंगा मैं 6.66 ग्राम। वैसे मैं क्या करूंगा, मैं ऑक्सीजन के लिए कितना लिखूंगा, मैं ऑक्सीजन के लिखूंगा 53.34 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सब समझ गया हमने क्या किया वाला पार्ट, ओके। फिर मैंने क्या बोला था, जो जब आप ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, आपको करना क्या है, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, हाँ, या फिर एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास, एकदम सही बोला आपने। अब देखो तो क्या करूं मैं, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखता हूँ मैं C1 क्यों लिखा मैंने, मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, है ना। तो क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, आप बोलोगे 12, कितना होगा, आप बोलोगे 12, राइट, 12। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, आप बोलोगे
6.66 मतलब कि मास अपॉन एटॉमिक मास कितना होगा, 1 आ जाएगा, है ना। ओके तो क्या होगा, फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा, मास हमें कितना है ऑक्सीजन का, आप बोलोगे 53.34 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉम मास कितना आता है, तो आप बोलोगे 16 कितना आता है, 16 आता है। ओके अभी देखो, अभी आप करोगे सिंपल, सबको डिवाइड करोगे। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल मेथड सीख रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट मेथड से ही सीखेंगे कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो 40 डिवाइड बाय 12 क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3.33। इसका कितना आएगा, इसका तो वही आएगा 6.66 और हमारा 53.34 डिवाइड बाय 3.33 कितना आएगा सर, 3.3 कैसे किया ये, कौन सा बेटा 3.3। अच्छा देखो कौन सा, स्टार्टिंग वाला कि लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला। अब देखो कैसे किया, देखो मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने निकाला, दो सेकंड मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये वाला पार्ट, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकाल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन एटॉमिक मास, क्या होता है मास अपॉन एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है। तो मास हमें कितना दिया गया है, आप बोलोगे 40 ग्राम दिया गया है। एटॉमिक मास क्या है कार्बन का, आप बोलोगे 12। जब आप 40 को डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3.33 आएगा। चेक करिए बेटा फटाफट जल्दी आया, यस सर। ओके चलिए ये आ गया। अब देखो अब मुझे बताओ इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3.33। तो मैं क्या करूंगा, सारे डिजिट जो भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला क्या करूं मैं, सभी को 3.33 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले को 3.3 से डिवाइड कर दिया, सेकंड वाले को 3.33 से डिवाइड कर दिया, फोर्थ वाले क्या, सॉरी थर्ड वाले क्या, मैंने 3.33 से डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी नंबर को खुद से डिवाइड कर दूंगा आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो कार्बन का वैल्यू कितना आया, आप बोलोगे कार्बन का वैल्यू आ गया 1, है ना। अब देखो और एक बात है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये सिंपल होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है। तो क्या होगा, आप लिखोगे कार्बन के वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो मेरे को यहाँ पे C1, ठीक ना। हाइड्रोजन क्या आया, आप बोलोगे 2। ओके ऑक्सीजन कितना आया, 1 आया, ये हमने निकाल दिया। नहीं ये तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आया, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ध्यान दो बच्चों, ऐसे गलती मत करना एग्जाम में, अगर आंसर आए तो वो भी आंसर दिया होगा, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, पढ़ना है क्या दिया गया है, ठीक है। यस सर। चलिए अब देखो, अभी हमें क्या निकाला, हमें निकालना एन, तो एन हमारा क्या था, आप बोलोगे एन था हमारा सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना। अब देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी देखो ये हमारा क्या आया, ये मेरा आया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या मेरा आया एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अभी हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल, तो क्या निकालोगे, आप बोलोगे कार्बन का 12, हाइड्रोजन आपका कितना है 2 है, तो 1 × 2 + 16, तो कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, राइट। अब देखो फॉर्मूला मोलर मास में कितना दिया कंपाउंड का, आप बोलोगे 60, तो क्या बोलोगे 60 डिवाइड बाय 30, तो आपका एन की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी एन की वैल्यू आ गई 2, क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ गई। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों ये वाला पार्ट, यस यस सर। ओके अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने ये देखा था, अभी हमने ये देखा था कि हम अगर मैं अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होगा, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना हो तो क्या करूंगा मैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनपुट एन, मुझे एन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर क्या लिखा फॉर्मूला, C1H2O1, और हमारा एन की वैल्यू क्या आई, हमारी एन की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या आ गया हमारा, आप लिखोगे C2H4O2, तो ये हमारा क्या होगा,
ये हमारा आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या सही बच्चों को ये वाला पार्ट समझ पाया हमने कैसे किया? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, लेकिन अगर मान के चलो एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप क्या ऐसा कर पाओगे बहुत जल्द, ये इतना लंबा कर पाओगे प्रोसेस? टाइम लगे राइट, कर पाओगे लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप बताओ इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा? अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ये कोई टीचर आपको नहीं बताता ऐसा समझो। देखो अभी आपको, देखो मान के चलो आपको ऑप्शन नहीं पता तो क्या करोगे, आप कोई भी ऑप्शन को पिक कर लो। सपोज कर मैंने ऑप्शन बी को पिक कर लिया है ना, अभी क्या बोला देखो, अभी ये बोला है ना, अभी इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आप बोलोगे कितना आएगा, 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा राइट, 60 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको कैसे लिखेंगे ना, 12 × 2, कितना कार्बन है, एक कार्बन, सॉरी दो कार्बन, तो 12 × 2 लिखा, प्लस हाइड्रोजन कितना है, चार है, तो 4 × 1 ओके, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16 × 2, तो कितना है हमारा आंसर, 24 + 4 + 32 राइट, यही हमारा आंसर है ना? Yes, sir. जी अब देखो शॉर्टकट ट्रिक देखो कैसा है। अब देखो अब हम यूज करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या था, आप बोलोगे अगर मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ कार्बन, अगर मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ कार्बन तो क्या करोगे, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100 है ना, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना दिया गया है, यहाँ पे कार्बन का मास कितना दिया गया है, 24। तो क्या करोगे, 24 / 60 × 100, अगर आप 24 / 40 × 100 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40। मैंने गलती किया, 24 / 60 करना पड़ेगा ना, हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 60 दिया है ना, तो 24 / 60 × 100 तो आंसर क्या जाएगा आपका, 40% है ना, तो यही आपका क्वेश्चन में दिया है, तो क्या होगा 40% होगा, तो आपका आंसर तो ऐसे बैठ जाएगा। समझ पड़ा मैंने क्या किया? Yes, sir. यह आपका शॉर्टकट मेथड है, आपका जी वापस रिपीट कर दूंगा ठीक है ना। देखो सपोज करो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आपको इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस की बात करो ना, सिर्फ एंट्रेंस की बात करो, तभी अगर एग्जाम में स्कूल में करो तो मार्क्स नहीं मिलेगा ठीक है ना। अब देखो कैसे करूंगा, मान के चलो मैं कोई भी फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला कितना दिया, यहाँ पे दिया है 60 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले आप चेक करो कौन से ऑप्शन में 60 आंसर आ रहा है, तो अगर मैं 24 + 4 + 30 करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है वही आ रहा है आंसर, क्वेश्चन में वही बैठ रहा है ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपका, द कंपाउंड विद द मोलर मास कितना दिया है, 60 दिया है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे हमारा कौन सा ऑप्शन में जब हम सबको ऐड करेंगे एटॉमिक मार्क से तो 60 आंसर आना चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें क्या आ रहा है आपका, 60 आंसर आ रहा है। अभी क्या करोगे आप परसेंटेज को वेरीफाई करो, क्या करोगे परसेंटेज को वेरीफाई करोगे, कैसे करोगे, अब देखो हम यूज करेंगे यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो क्या सपोज कर मुझे निकालना है कार्बन का सॉरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा मैं से करूंगा ना मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100, क्या ये करूंगा ना मैं, सही है बच्चों? Yes, sir. जी अब देखो sir. अभी कार्बन का मास कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, हमने कितना निकाला 24, कितना निकाला हमने 24 निकाला, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 24 / टोटल मास कितना है, टोटल मास हमारा 60 है, तो क्या करोगे 24 / 60 × 100 करो, आपका क्या आंसर आएगा, आपका यही वाला आंसर आ जाएगा, मतलब की वाला सेट हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका आंसर सेट हो गया। अभी अगर हाइड्रोजन भी चेक करो क्या 6.66 मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल क्या करूंगा मैं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो क्या करूंगा मैं अगर मैं लिखता हूं यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया आपके क्वेश्चन के अंदर
मास ऑर्डर कितना दिया है? फोर. कितना? सॉरी, 4. हाँ तो क्या कह रहे हैं? 4 दिया. तो क्या करोगे? 4 डिवाइड बाय 60 इंटू 100. अभी आप कैलकुलेटर लो तो क्या करोगे? 4 डिवाइड बाय 60 इंटू 100. तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 6.6%. क्या आएगा? 6.66% आएगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदाउट कैलकुलेशन. विदाउट कैलकुलेशन ये पूरा समझ गया बच्चा, मैंने कैसे किया वाला पार्ट? ओके. क्या बोल रहे बेटा? सर 4. यहाँ पे देखो ना, जब हमने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाया, ये दिख रहा है इक्वेशन? यस सर. दो सेकंड, जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 4 है. तो 1 into 4, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ. तो क्या होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100. तो मेरा कितना परसेंट आएगा? मेरा 6.66% आ जाएगा. हो गया. Yes, sir. है ना? तो आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है. अभी देखो, ये तो हमने कर लिया, अब हम क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पार्ट सेम ऐसे ही जैसा. तो क्या होगा? आपको देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, चलिए अब देखो. हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चा करने की इंपेरिकल फॉर्मूला करें. चलिए फाइन. अब देखो मैं कैसे करता हूँ. ठीक है ना, अभी 2 मिनट के लिए सारे बच्चे एकदम शांत रहेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है. सपोज कोई क्वेश्चन आया, आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन होगा, जिसमें कार्बन का परसेंट कितना दिया आपको बोलोगे? आप बोलोगे 82.8% कार्बन दिया है. और क्या बोला है? रेस्ट हाइड्रोजन. जब भी ऐसा लिखा होगा रेस्ट हाइड्रोजन, तो क्या करोगे आप? 100 माइनस जितना दिया, कितना दिया आपका? 82.8. तो क्या करोगे? 82.8 करोगे, तो कितना आएगा आपका हाइड्रोजन का मास? कितना आएगा परसेंट आएगा आपका? आएगा 17.2%. ये मैंने क्या किया? ये मैं कैसे निकाला? मैंने 100 माइनस 82.8 किया, तो मेरा ये वाला पार्ट आ गया. कौन सा? ये वाला पार्ट मेरा आ गया. ठीक है ना. अब देखो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? जो भी परसेंटेज में दिया होगा मुझे करना क्या, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है. तो क्या होगा मेरा? ये मेरा आएगा 82.8 ग्राम. हाइड्रोजन कितना आएगा? 17.2 ग्राम. मेरा ग्राम आ गया. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो क्या करूंगा मैं? लिखता हूं यहां पे C1. तो क्या होगा? नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब बोलो बच्चों, मास अपॉन एटॉमिक मास. है ना? तो मास हमें कितना दिया है? मास हमें दिया है 82.8 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. क्या होगा? आप बोलोगे 12. क्या होगा? 12. सिमिलरली मैं निकालूंगा किसका? हाइड्रोजन का. क्या आएगा? H1. कितना मास दिया है? 17.2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है. ओके, अभी आप क्या करोगे? 82.8 को डिवाइड करोगे 12 से, तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 6.9. क्या आएगा आपका आंसर? आएगा 6.9. है ना? अभी सिंपल, अगर मैं 17.2 को 1 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? 17.2 ही आएगा. ये आ जाएगा मेरा. ठीक है ना? अब देखो, अब मुझे करना क्या है? दोनों में से छोटा वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 6.9 छोटा वैल्यू है ना. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसी नंबर को उससे डिवाइड करना पड़ेगा. दोनों को मैं उससे डिवाइड कर दूंगा. तो जब मैं 6.9 डिवाइड बाय 6.9 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 1. अगर मैं 17.2 डिवाइड बाय 6.9 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा 2.5. कितना आएगा मेरा? 2.5 मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, कितना आएगा? 2.5. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, राइट? कुछ गलती की हमने? नहीं, हमने गलती नहीं किया है. चेक करो, 2.4 आ रहा है. कितना? 2.4. आप करोगे तो एक्चुअल कितना आएगा? 2.49. हाँ चलो, उसको 2.49 लिख देते हैं, है ना? ये कर दिया मैंने. ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ, क्या होगा? क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? क्या है? नो सर. क्या सर? जी, अभी हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है. अगर मुझे इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाना, तो क्या करूंगा मैं?
प्लस टू मैं करूंगा यहाँ, नहीं नहीं मैं करूंगा टू से डिवाइड, नहीं अब मैं करूंगा इन दोनों को क्या करूंगा, मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड नहीं करना है मुझे, करना है मल्टीप्लाई करना है। तभी देखो अगर मैं, हाँ तो क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो 1 2 2 1 2 से कितना आया 2 हो गया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आएगा आंसर मेरा आएगा 5 आएगा, किसका हाइड्रोजन का। तो मेरा कार्बन का कितना वैल्यू आया 2 आया और हाइड्रोजन वैल्यू कितना आया 5 आया, कितना आया 5 आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा मेरा फॉर्म, मेरा आंसर क्या होगा, मेरे सिंपल फॉर्म में क्या होगा C2H5, क्या होगा C2H5 मेरा आंसर होगा। तो क्या होगा मेरा बी इज द राइट आंसर, मैंने यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। समझ गए बेटा वाला पार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो जी, ध्यान ध्यान की बात ये है, आपको सबसे पहले अगर आप अगर मांग के चलो सबको रेशियो में आया, जैसे 2.49 है, जैसे एक बच्चे ने बोला अभी 2.49 बोला, क्या हम 2.49 को 2.5 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, है ना। लेकिन जो हमारा 2.5 है क्या वो सिंपल होल नंबर रेशियो है? वो तो नहीं है। तो मुझे ऐसा कौन सा नंबर लेना पड़ेगा जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अगर आप बोलोगे अगर मैं 2.5 को, अगर मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 5। क्या 5 एक सिंपल होल नंबर रेशियो है? यस 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 जी। अगर मैंने 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है ना बच्चा, है कि नहीं आ गया। तो मेरा आंसर क्या है, कार्बन का वैल्यू 2 आया और हाइड्रोजन वाला कितना है 5 आ गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5 मेरा आंसर। तो मेरा आंसर क्या आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझिए बेटा हमने कैसे किया वाला पार्ट? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ओके तो यहाँ पर किसी को डाउट है तो आप 2 मिनट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। नो सर। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जिन भी बच्चों को समझ में आया प्लीज आप थम्स अप लिखिए, चैट बॉक्स थम्स अप डाल दीजिए। तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, है ना। डन डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चों अभी आगे से अगर कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, अभी हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसकी बात करते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो बच्चों, देखो जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो अच्छे, अगर मैं एकदम सिंपल वे बोलूं तो उसका मतलब क्या होता है, आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आना चाहिए आपको? इक्वेशन को प्रॉपरली बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, कोई बता सकता है मुझे, हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? बोलो बच्चा बोलो, कम ऑन, इजी। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ओके, कुछ स्टेबल मतलब कि मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाना है। दूसरा बताओ, दूसरा रीजन हमारा ये, हाँ हमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना, हमको फॉलो करना है। क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना है। अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना पड़ेगा तो क्या होगा, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट बच्चा, ठीक है ये हमने पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, चलो मांग के चलो मैं यहाँ पे मैं आपको क्या देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे चलिए। अब देखो अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम Mg लिया प्लस मैंने लिया ऑक्सीजन, क्या बनेगा? आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। अब बच्चों क्या ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है? अब देखो अगर मुझे इक्वेशन बैलेंस करना तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो ऑप्शन कितना यहाँ पर 2, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो, लेकिन मेरा मैग्नीशियम बिगड़ गया तो
तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे मैग्नीशियम यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, है ना। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट ये है कि जब हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करेंगे, जब भी हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा। बेटा नवप्रीत आपकी वॉइस आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके ओके चलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेशन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट करना। ओके चलिए, अब देखो सपोज करो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो क्या लिखा है आपका बच्चों, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या लिखा आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। और एक बात, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो हमारा एक्चुअली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, हमने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे बनाया अमोनिया, क्या बनाया हमने, अमोनिया बनाया। मेरी वॉइस कट, बेटा क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी को, बच्चों को? चलो ठीक है, ओके चलिए। अब देखो हमने क्या बनाया, अमोनिया बनाया, ठीक है। अब देखो सर मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम फिक्स करोगे? हाँ मैं वापस मोनिका को, मेरी आवाज कट के आ गई है। बेटा मोनिका मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा विंडो साइड चले जाओ या फिर ऐसे साइड चले जाओ, थोड़ा नेटवर्क आ रहा होगा। आई थिंक सभी को आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा विंडो साइड ऐसे साइड चले जाओ, थोड़ा सा आपको आवाज क्लियर आ रही है। बीच बीच में अभी आ रही है मेरी आवाज प्रॉपरली? यस सर, ठीक है। यस सर, चलिए अब देखो जी, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने अमोनिया बनाया, ठीक है ना। लेकिन जब मैं अमोनिया बना रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर बच्चों ध्यान देना, एग्जाम में कभी क्या करते हैं, अमोनिया नहीं देते, आपको बोलेंगे हेबर्स प्रोसेस, क्या बोलेंगे आपको, हेबर्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ध्यान दो बच्चों, हेबर्स प्रोसेस हम क्या बनाते हैं, हम अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं, किसमें, हेबर्स प्रोसेस के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं, ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है? कोई बच्चा मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ेगा, ये वाला पार्ट प्लीज पढ़िए क्वेश्चन। ओके एक काम करेंगे, अनामिका ने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो अनामिका पढ़िए, उसके बाद रिया, फिर शीतल, फिर हिना, चलिए पढ़िए। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's processes. अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया है, अब देखो यहाँ पे दे बच्चों, अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, हमारे इक्वेशन क्या होता है, N2 plus H2 gives NH3, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब कि इक्वेशन होता है, राइट, है ना बच्चों? Yes sir. अब देखो, अब हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे, क्या इक्वेशन बैलेंस है? ओके तो चलिए, हाँ तो चलो मुझे बैलेंस करें, बताइए कैसे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बोलो। हाइड्रोजन के पास 3 लगेगा। चलो अगर मैं हाइड्रोजन के पास 3 लगा दे, फिर अमोनिया के पास 2, कौन अमोनिया के पास, ओके अमोनिया के पास 2 लग गया, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, एन के पास 3 लगेगा, कहां पे लगेगा, नाइट्रोजन हो गया ना। Yes, हाँ, नाइट्रोजन, अब तो बैलेंस हो गया ना, अब तो बैलेंस हो गया। Yes, है ना, देखो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया हमारा, ये बैलेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको अमोनिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको अमोनिया दिख रहा है ना। अब देखो जब हम 3 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, जब हम 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो कितना मोल बन रहा है हमारा, 2 मोल अमोनिया बन रहा है, कितना बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अगर मुझे 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो मुझे कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो कैसे करोगे आप, करोगे क्रिस क्रॉस करोगे, तो क्या होगा, 30 into 20 divided by 20,
डिवाइड बाय टू तो क्या आएगा वन, तो कितना आंसर आएगा आपको, कितना आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 30. तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी है ना. अब देखो नीट में सिर्फ अगर इतने भी पार्ट आपको पता है तो कितना मार्क्स आएगा आपका, 4 मार्क्स, तो यही आ गया. तो क्या बोलो बच्चों, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? जी जी मैं रिपीट करता हूँ. चलो ओके ठीक है ना. अब देखो ये हमारा हेबर्स प्रोसेस है, इसमें हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं ठीक है ना. ये हमने हेबर्स प्रोसेस देखा. अब देखो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं. तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन बैलेंस नहीं था, हमने क्या किया उसको इक्वेशन को बैलेंस बनाया है ठीक है. बना लिया इक्वेशन बैलेंस, बन गया जी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया ठीक है ना. मेरी आवाज प्रॉपरली सभी को आ रही है? yes, सारे बच्चों yes, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अब देखो जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं जब हम ये वाले इक्वेशन को पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम इक्वेशन को देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका अमोनिया आ गया. क्या आ गया, अमोनिया आ गया ठीक है. अब देखो जब हम इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं हमें कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा अमोनिया बनाने के लिए, आप बोलोगे दो. सॉरी हमें कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, आप बोलोगे जब हम 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमें कितना मोल अमोनिया बन रहा है, आप बोलोगे 2 मोल अमोनिया बन रहा है. ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? यस सर. ये वाला पार्ट सबको यस. जब हम यस सर. बेटा नामी का मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. अब देखो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन देखा ठीक है ना, हमने क्या देखा कि हमें क्या चाहिए, हमें 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए कितना मोल अमोनिया बनाने के लिए, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला हमको 20 मोल बनाना, कितना बनाना हमको, 20 मोल अमोनिया बनाना है. तो पूछा है हाउ मेनी मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड है ना. अगर मुझे यहाँ पे 20 मोल अमोनिया बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे 20 मोल अमोनिया बनाना है तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा. तो क्या करूंगा मैं करूंगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्या होगा, 30 × 20 डिवाइड बाई 2. तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, 10 × 3, 10 × 30. तो कितना मोल लेना पड़ेगा मुझे, 30 मोल अमोनिया लेना पड़ेगा. तो बेसिकली क्या है आपको, आपको खाली स्टोकियोमेट्रिक देखना था, बैलेंस करना था और आपको क्रॉस चेकआउट करना था. तो आपका आंसर आ गया. क्या सही बच्चे यार क्वेश्चन समझ गए प्रॉपरली कि नहीं समझे? यस सर. यस सर. अगर वापस बोल रहा अभी भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं वापस रिपीट करने रेडी हूँ. अनामिका बेटा क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अनामिका बेटा क्वेश्चन ओके वापस रिपीट कर दी. जी वापस रिपीट कर दो ठीक है ना सर. प्लीज जी वापस रिपीट. ओके ओके ठीक है चलिए देखो. अच्छा हिना बेटा आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? सर रिपीट कर दो. ठीक है चलो रिपीट कर देता हूँ. ठीक है रिपीट करता हूँ. अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये इस इक्वेशन को देखते हैं. आपको इक्वेशन दिख रहा है वाला पार्ट सभी को? यस 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 सर. जी अब देखो जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या चाहिए होगा, अगर हमको अमोनिया बनाना है, क्या बनाना हमको, अगर हमें अमोनिया बनाना है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम 1 मोल क्या लेंगे नाइट्रोजन लेंगे, अगर हम 3 मोल क्या लेंगे हाइड्रोजन लेंगे तो कितना बनेगा हमारा, तो हमारा कितना बनेगा, हमारा 2 मोल अमोनिया बनेगा. कितना बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा. अब देखो ये मोल मुझे कैसे पता चल रहा है, अब देखो जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी एटम है उसके सामने जो भी नंबर होगा उसके पहले जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा. समझ गए, मतलब अगर मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर दिख रहा है आपको, 3. थ्री क्या होगा, 3 मोल क्या होगा, उसका मतलब क्या, वो 3 मोल है. कितना है हमारा, 3 मोल है. समझ गया पार्ट? यस सर. अब देखो हाँ अब देखो अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं. अभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन पे जाते हैं.
नीट का क्वेश्चन है, ध्यान दो बच्चों, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा मैंने। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं क्या किया, इक्वेशन लिखा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, राइट, ये मैंने लिखा। लेकिन मैंने ये देखा ये मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। कैसे किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू और मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्री। मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे मैंने टू लिख दिया और मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया और यहाँ पे क्या है, वन है, है ना। तो मुझे जब मैं मुझे अमोनिया कितना बनाना होगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे वन मोल नाइट्रोजन लेना है, तीन मोल हाइड्रोजन लेना है और मुझे क्या मिलेगा, मुझे दो मोल अमोनिया बनेगा। क्या यहाँ इस ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, हमें हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल चाहिए होगा अगर हमें 20 मोल अमोनिया बनाना है। अगर मुझे यहाँ पे कितना बनाना है, अगर मुझे 20 यहाँ पे बनाना है 20, तो मुझे कितना मोल अमोनिया लेना पड़ेगा। देखो अगर मैं तीन रुपए का दो चॉकलेट आता है, कितना आता है, दो चॉकलेट आता है, तीन रुपए का दो चॉकलेट आता है। अगर मैं बोलू 20 चॉकलेट कितना रुपए का होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, 30, कितना होगा, 30 रुपए होगा, राइट, है ना। अगर सिंपल सी बात है ना, तीन रुपए का दो चॉकलेट आ रहा है तो 20 रुपए का कितना चॉकलेट होगा। आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करोगे, क्रिस्क्रॉस करोगे, तो क्या होगा, 3 × 20 डिवाइड बाई 2, ये करोगे ना, यस सर, है ना। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 30, ठीक, कितना जाएगा 30 आ जाएगा। क्या अभी ये वाला पार्ट समझ गए, अगर हमें अगर हमें 20 मोल अमोनिया बनाना है, अगर मुझे 20 मोल अमोनिया बनाना है तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, मुझे 30 मोल हाइड्रोजन, कितना लेना पड़ेगा, मुझे 30 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। अनामिका अभी आपको समझ में आया, या जिन बच्चों समझ में नहीं आया था, अभी प्रॉपरली आ गया वाला पार्ट, जी अभी भी जिन बच्चों को अगर समझ में आ गया प्लीज आप चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट। देखो ये काफी सिंपल है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो मैं बोल रहा हूँ पक्का आपका आ जाएगा वाला पार्ट, ठीक है। हाँ रिया बोलिए, जी मोनिका बोलिए, मोनिका समझ में आया बेटा, मोनिका समझ में आया बेटा, नहीं आ रहा है, सबसे पहले क्या आपको इक्वेशन दिख रहा है वाला इक्वेशन, यस मोनिका आपको इक्वेशन दिख रहा है, यस अब देखो इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, मोनिका बोलिए, आपको समझो तो आपको बोलना पड़ेगा, टू कहाँ है, नहीं थी, तीन एलिमेंट है ना, तीन एलिमेंट है ना, एक नाइट्रोजन है। ओके अब थोड़ा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके अब देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ये पार्ट सिंपल है, इजी है, काफी इजी है, आपको ध्यान देना। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना मोल है, आप बोलोगे वन मोल है, हमें वन मोल कैसे पता चला, इसके स्टोकियोमेट्री से, इसका स्टोकियोमेट्री क्या होगा, वन है, क्या इस स्टोकियोमेट्री कितना है, वन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन कितना मोल है, हमारा हाइड्रोजन तीन मोल है, कितना मोल है, तीन मोल। अमोनिया कितना मोल है, आप बोलोगे अमोनिया दो मोल है, कितना मोल है, अमोनिया दो मोल है, ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस के बारे में, जी हिना बोलिए, हिना बोलिए, ओके फाइन। अब देखो जब हम मोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इनिशियली कितना चाहिए होगा, अगर मुझे अमोनिया बनाना है, अगर मुझे अमोनिया बनाना है तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, मुझे होगा तीन मोल, कितना चाहिए होगा मुझे तीन मोल अमोनिया चाहिए होगा, कितना मोल बनाने के लिए, दो मोल बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको खाली ये दो पार्ट को फोकस करना है, आपको खाली ये दो पार्ट को फोकस करना है, ठीक है, समझ गए? यस सर, यस सर, ओके, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कितना बनाना है, 20 मोल अमोनिया, कितना बनाना है, 20 मोल अमोनिया बनाना है। अगर मैं यहाँ पे 20, अगर मैंने यहाँ पे 20 मोल लिखा तो मुझे यहाँ पे कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, क्या करूंगा मैं, क्रिस क्रॉस करूंगा, है ना। अगर मैं, जैसे मैंने बोला ₹3 का दो चोट आ रहा है तो 20 चोट कितने रुपए आएगा, आप क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करोगे ना, मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अगर yes, Yes. अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको अलपट समझा दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 30 मोल, क्यों, मैंने 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा 30, कितना मेरा आंसर आएगा 30 मोल आंसर होगा उसका, ठीक है। तो जिन बच्चे जो बच्चे समझ गए वेरी गुड, जिनको समझ में नहीं आया मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देना प्लीज, ठीक है, चलिए ओके। चलिए ये वाला पार्ट हो गया, अब यहाँ पे देखो क्या ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, CH4 plus O2 plus CO2 plus H2 water? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, yes, sir. जी अब देखो, अब मुझे इसका आंसर रिया बताएगी। रिया बेटा, जो हमारा इक्वेशन है कौन सा है, CH4, CH4 क्या होता है आपका, मिथेन होता है, yes, प्लस ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, और क्या हो रहा है आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर, है ना, ये आपका, ये आपको दिख रहा है। अब बता मुझे, अब मुझे बताओ यहाँ पे सबके कितने कितने मोल्स हैं, अगर मैं बोलो मीथेन का तो मैं बोलूंगा मीथेन का मेरा है 1 मोल, कितना मेरा 1 मोल है, वैसे मेरा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने कितने मोल है, जरा बता पाओगे आप, बोलिए सर। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का 1, हाँ आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल है, 1 मोल, क्यों, इसके आगे नंबर क्या है, 1 है, तो क्या होगा 1 मोल होगा, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना मोल होगा बच्चा, 2, ऑक्सीजन का 2 मोल होगा, वाटर कितना मोल होगा, 2 मोल होगा, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारा जो भी इक्वेशन होगा इक्वेशन के आगे जो भी मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, उसके सामने जो भी नंबर होगा उसके कोफिशिएंट में, वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, कितना क्या होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, समझ गए बेटा वाला पार्ट, ठीक ना। यस सर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो, अभी हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है ना। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कौन पढ़ेगा, पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा, हाँ आप पढ़िए बेटा, हाँ पढ़िए। द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट अज्यूमिंग कंप्लीट रिएक्शन। ओके, ये हमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है ना, सपोज करो अगर मुझे बनाना है 1 kg पनीर सब्जी, मान कर चलो मुझे 1 kg पनीर सब्जी बनानी है, ठीक है। अब देखो, तो मैं मान के चलता हूं मुझे उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, मुझे उसके लिए 500 ग्राम पनीर लेना पड़ेगा, 100 ग्राम मुझे मसाला लेना पड़ेगा, और बाकी 300 ग्राम मुझे क्या लेना पड़ेगा, सब्जी लेना पड़ेगा, मतलब कि मटर हो, कुछ कुछ भी हो गया, वो मेरा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कब क्या बनाने के लिए, मुझे 1 kg पनीर बनाने के लिए। अब मान के चलो बच्चों, इतना मुझे क्या चाहिए, इतना मुझे चाहिए आइडियल कंडीशन में, अगर इतना लूंगा तभी मेरा क्या होगा, 1 kg पनीर सब्जी बनेगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, अगर मैं लेता हूँ 200 ग्राम पनीर, अगर मैं लेता हूँ 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम मसाला और 300 ग्राम सब्जी, मतलब कोई वेजिटेबल्स लेता, कोई भी वेजिटेबल्स, क्या मेरा 1 kg पनीर बन पाएगा अभी,
है ना। अब बताओ इन सब में से सबसे जो ज्यादा चाहिए था कौन सा कम है, आप बोलो इन सब में से सबसे कम क्या पड़ गया, क्या हमें कमी पड़ गई? पनीर कमी पड़ गई। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा पनीर होगा वो क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सच पढ़ा बच्चों यह पार्ट सभी को? तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या होगा, कोई भी रिएक्शन के अंदर जितना हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है उसके पहले ही अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो क्या होगा हमारा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ गए वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ओके सर, रिपीट कर दो। जी जी जी, मैं रिपीट कर दूं। अच्छा उर्मिला बेटा, आप घर में चाय बनाते हो? चाय बनाते हो उर्मिला बेटा? यस सर। हां ऑब्वियसली बनाते हो, राइट, ठीक है ना। चलिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली बनाते हो, खुद के लिए बनाते होगे, ठीक है। अब मान के चलो अगर मुझे चाय बनानी है दो ग्लास, अगर मुझे दो ग्लास चाय बनानी है, मुझे दो ग्लास चाय बनाने के लिए मुझे 250 ml क्या चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मिल्क चाहिए, 250 ml दूध चाहिए मुझे। मान के चलो कि अगर मैं 250 ml ना लेकर मैं लेता हूँ 200 ml मिल्क, क्या लेता मैं 200 ml मिल्क लेता हूँ, क्या मेरा दो कप चाय प्रॉपरली बन पाएगा? आप बोलोगे बन जाएगा कब, अगर मुझे पानी ऐड कर दे तो, लेकिन मैं मांग के चलो पानी हमें ऐड ही नहीं करना, कुछ भी मुझे ऐड नहीं करना, क्या मेरा दो ग्लास दूध बन पाए, चाय बन पाएगा? आप बोलोगे नहीं बन पाया। तो क्या होगा, जो मेरा चीज कम पड़ गया वो क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्या होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखो जैसे मगर अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ये आपका डेफिनेशन है तो क्या लिखा है यहाँ पे, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, कंज्यूम मतलब क्या, पहले ही खत्म हो गया, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जितना हमें बनाना है हम उसको बना ही नहीं पा रहे हैं, जितना हमें बनाना है हम उसको बना ही नहीं पा रहे हैं, और क्या हो रहा है चीजें पहले खत्म हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब समझ गए बेटा वाला पार्ट, सभी बच्चों समझ में आया वाला पार्ट? ओके चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट है, ओके अब देखो क्या सभी को ये इक्वेशन दिख रहा है? yes, बच्चों क्या इक्वेशन दिख रहा है? जी बेटा अब देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान देना, ठीक है ना, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अगर मैं तो यहाँ पर ए प्लस बी टू गिव्स ए बी टू, है ना, ये होगा। अब मुझे बताओ हीना मेरा यहाँ पे ए का कितना मोल है, मेरा यहाँ पे ए का कितना मोल है? हाँ तो ए का क्या होगा, मेरा ए का कितना, मेरा वन होगा, ए का मेरा वन मोल होगा। बी कितना मोल है, बी टू मेरा कितना मोल है? हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो नंबर है ना ये वाला नंबर, इस वाले नंबर को ध्यान नहीं देना आपको, आपको जो ये वाला नंबर यहाँ पे जो नंबर होगा ना आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोफिशियंट, आपको हमेशा कोफिशियंट पे ध्यान देना है, ना कि ये इस नंबर को आपको ध्यान नहीं देना, आपको खाली इस वाले नंबर को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा बी टू कितना है, मैं बोलूंगा वन, राइट, वन मोल बोलूंगा, है ना, वन मोल बोलूंगा। अब बता मेरा जो मेरा ए बी टू है, जो मेरा ए बी टू है वो कितना मोल है बच्चों? वन मोल है, ठीक है ना। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, अभी वाला पार्ट देखो, अभी देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट होगा आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका रिएक्टेंट पार्ट, क्यों रिएक्टेंट साइड में, और ये वाला क्या आपका प्रोडक्ट साइड में, आपका प्रोडक्ट साइड में, ठीक है ना। अब देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ ये वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट बता रहा हूँ। अब क्या बोला है क्वेश्चन का, क्या लिखा, देखो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर, क्या बोला, ये क्वेश्चन आपको दिया। अभी देखो जब हम इक्वेशन को देख रहे थे, अगर मुझे AB2 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वन मोल ए लेना पड़ेगा प्लस मुझे वन मोल, सॉरी मुझे
वन मोल ए लेना पड़ेगा और मुझे क्या लेना पड़ेगा, वन मोल बी टू लेना पड़ेगा, सही है बच्चों, है ना, इतना लेना पड़ेगा, राइट। अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिखा है फाइव मोल ए और क्या दिया आपका 2.5 मोल बी, है ना, ये दिया ना आपको, दिया ना क्वेश्चन में। अब देखो अगर अगर मुझे वन को वन लेना पड़ेगा, अगर मुझे देखो अगर मुझे अगर बनाना होगा ए बी टू, तो अगर मैंने यहाँ पे फाइव मोल लिया था तो मुझे यहाँ पे कितना लेना पड़ता, यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे फाइव लेना चाहिए था, लेकिन है कितना हमारे पास 2.5, कितना हमारा 2.5 है, तो हमारा लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो मेरा लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा, बोलो बी क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा ये वाला पार्ट क्या होगा, मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, क्या हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रीजन, ये वाला पार्ट बन जाएगा, समझिए बेटा। देखो हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले इक्वेशन देखना है, इक्वेशन में जो भी चीज दिया गया है हमें उस चीज को फॉलो करना है, हमें क्या चाहिए, हमें वन मोल ए चाहिए, हमें वन मोल ए चाहिए, हमें वन मोल बी चाहिए, तब क्या बनेगा हमारा वन मोल एबी टू बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है फाइव मोल प्लस 2.5 मोल, कमी है ना, कमी है, किसी कमी है, 2.5 मोल की कमी है, तो क्या होगा हमारे 2.5 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रीजन, क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, समझ गए बेटा ये वाला पार्ट, यस सर, यस समझ में, हाँ जी जी मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, वन, यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे क्या है वन, सही है बच्चों, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यस सर, यस सर। अब देखो अगर मुझे ए बी टू बनाना है, अगर मुझे ए बी टू को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वन मोल ए लेना पड़ेगा प्लस वन मोल बी लेना पड़ेगा, सही है ना, मुझे ये लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ लेकिन अगर आप फोर्थ क्वेश्चन अगर आप फोर्थ पर देखते हो तो फोर्थ में क्या लिखा है आपका, दिखा है फाइव मोल ए प्लस 2.5 मोल बी, अगर हम ये दोनों लेंगे तो क्या क्या हमें ए बी टू मिल पाएगा, क्या हमें ए बी टू मिल पाएगा, आप बोलोगे नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें दोनों की वैल्यू क्या चाहिए, सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, है ना, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजन, क्या हो जाएगा आपका लिमिटेड हो जाएगा। अब बताओ फिफ्थ वाला में लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, ए 2.5 मोल ए, हां तो फिफ्थ वाले में क्या होगा, फिफ्थ में होगा 2.5 मोल क्या होगा, 2.5 मोल ए क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजन होगा, क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना, आपको नंबर देखना है, आपको क्या देना है सिंपली, आपको कोई भी नंबर देखना है, अगर नंबर मैच है हो रहा है तो सही है, अगर नंबर मिसमैच हो रहा है तो क्या होगा आपका लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट, यस सर। अब देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सेकंड वाला सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, टू मोल ऑफ ए प्लस थ्री मोल ऑफ बी, तो यहाँ पे मैं लिमिटिंग एजेंट क्या, थ्री मोल बी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, है ना, लेकिन जो चीज कम पड़ गया है वो क्या होगा आपका लिमिटिंग एजेंट होगा, क्या होगा आपका लिमिटिंग एजेंट होगा। अगर आप ये वाला इक्वेशन देखते हो ये वाला इक्वेशन के अंदर क्या दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, तो क्या बताओ क्या इसमें कोई लिमिटिंग एजेंट है, तो आप बोलोगे इसमें कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए, तो लिमिटिंग एजेंट मतलब क्या होगा, कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई चीज जितना चाहिए उससे पहले खत्म हो जा रही है, मतलब कि पहले कंज्यूम हो जा रही है, तो क्या होगा वो उसका होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट, यस सर, यस सर,
ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो ओके बाकी वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए तक काफी है, तो ये वाला पार्ट आपको सबको समझ में आया आपका फॉर्मूला? यस सर। ओके तो आपको ये स्टोइकोमेट्री वाला पार्ट और इमेजिनरी समझ में आया प्रॉपरली सभी बच्चे को? यस सर। देखो बच्चों, देखो बच्चों मैं काफी स्लो पढ़ा हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप सही बच्चे प्रॉपर समझो, अगर आप समझ जाओगे ना तो पक्का आप नीट के अंदर 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ बोले रिया सर, एक में एटम एक में मॉलिक्यूल, तो हाँ जब हम एटम या मॉलिक्यूल की बात करें, अब देखो अगर हम ये वाला पार्ट देखिए, अगर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो देखो इसमें मैं क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा एटम, मतलब क्या ये सिंगल है ना, अगर कोई भी चीज सिंगल है अकेला है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको मैं एटम बोलूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो B2 है, B2 क्या है, दो चीज है, B2 हमारा क्या है, दो चीज है, तो दो अगर दो साथ में तो मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल। देखो बच्चा अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन क्या होगा आपका, एटम होगा। अगर मैं लिखता हूँ H2 तो क्या होगा, मैं बोलूंगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या होगा आपका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। आपको ध्यान क्या देना है, आपको नंबर देखना है, क्या दोनों नंबर सेम है कि नहीं, आपको वो चेक करना है। अगर दोनों नंबर सेम है तो उसमें कोई भी लिमिटेड रीजन नहीं है, अगर किसी मिसमैच हो रहा है तो जो कम है वो क्या होगा आपका, लिमिटिंग रीजन होगा। समझ गया बच्चा वाला पार्ट? तो आई होप ये दो हमने जो टॉपिक पढ़ा आपका स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग एजेंट आपको प्रॉपर समझ में आया बच्चा। कल कोई भी क्लास मिस मत करना, ठीक है ना। okay, yes, मिस मत करना, कल हम क्या करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, समझ गए? ठीक है सर। यस सर। थैंक यू। बाय बेटा, मैं रिकॉर्ड। Thank you.